होते अगर इस्तीफा देते तो जनता को क्या लगता, जनता को लगता कि जेल में दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया, बीजेपी के दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया, ईडी के दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया, सीबीआई के दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया, पर उन्होंने ईडी सीबीआई के दबाव में इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि वो दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं, वो दिल्ली की जनता के बेटे हैं। अब चुनाव के अंदर आएंगे, 70 की 70 सीट आम आदमी पार्टी की आएगी, हरियाणा के अंदर भी आम आदमी बहुत तेजी पे उभर के सरकार बना के लाएगी। केजरीवाल को बेईमान साबित करो, मनीष सिसोदिया को बेईमान साबित करो, आम आदमी पार्टी को बेईमान साबित करो। अरे डंके की चोट पे, अरे डंके की चोट पे, और आएंगे और मोदी जी को देखना पड़ेगा कि सीएम आखिर आ गया। अगर भाजपा में दम हो तो वो केजरीवाल को हरा के उस शीश महल में खुद आ जाए, वो खुद आ सकते हैं। जो मुख्यमंत्री बनेगा उस इस महल में रहेगा, वो उस मुख्यमंत्री के लिए बनाए हैं, केजरीवाल अपने लिए नहीं बनाए हैं। सरकार जनता से टैक्स क्यों लेती है? अगर सरकार जनता को अच्छी शिक्षा दे रही है, स्वास्थ्य सुविधा दे रही है, महिलाओं को फ्री बस दे रही है, तो इसमें गलत क्या है? आप दुकान पर जाते हैं, दुकान वाले को 30 रुपए देते हैं, कहते हैं भाई दाल तड़का दे दो, तो दुकान वाला जब आपको दाल तड़का दे देगा तो भाई कह देंगे मुफ्त में दिया है, अरे उसके बदले में 30 रुपए आपने पे किया है। जनता टैक्स पे करती है, सरकार जनता से टैक्स क्यों लेती है? अगर सरकार जनता को अच्छी शिक्षा दे रही है, स्वास्थ्य सुविधा दे रही है, महिलाओं को फ्री बस दे रही है, तो इसमें गलत क्या है? आप दुकान पर जाते हैं, दुकान वाले को 30 रुपए देते हैं, कहते हैं भाई दाल तड़का दे दो, तो दुकान वाला जब आपको दाल तड़का दे देगा तो भाई कह देंगे मुफ्त में दिया है, अरे उसके बदले में 30 रुपए आपने पे किया है। जनता टैक्स पे करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रैपिड और मैं हूं शिवराज पूत। 17 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं, उसके बाद शनिवार को आतिशी जी नई मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में जनता के हाथ लगाते हैं। इस समय हम मौजूद हैं देश राज दिल्ली में, आप देख सकते हैं मैं ठीक पीछे टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से आप देख सकते हैं केजरीवाल जी स्पीच देते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो अरविंद केजरीवाल जी है वो जनता के दांत के बीच में है और जनता से राय ले रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री 2025 के विधानसभा चुनाव में बनाना चाहिए या नहीं। केजरीवाल जी ने कहा मैं जन जन तक जाऊंगा, जनता का नेता उसे जन जन तक जाऊंगा, जनता के बीच से उठाऊंगा इसलिए जन जन तक जाऊंगा। आइए करते हैं दिल्ली की जनता से बात, आखिर क्या केजरीवाल जी सच में जनता के नेता है और क्या दिल्ली की जनता फिर से 2025 में उन्हें अपना जनता का नेता बनाएगी। अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आते हैं, आतिशी जी मुख्यमंत्री बनती है, फिर जनता के रात लगाते हैं केजरीवाल जी, विपक्ष कह रहा है राजनीति कर रहे हैं बहुत ज्यादा। देखिए भाई साहब, ये आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी के लिए जनता की अदालत लगी हुई है। जनता की अदालत में जनता आई है, अरविंद जी अपना राय विमर्श लेंगे, अरविंद जी जनता से पूछेंगे उनको आगे फर्दर क्या करना है, जनता के हित के कई सारे फैसले वो अभी यहाँ पे लेंगे और पूछेंगे। पर विपक्ष है जब तक जेल में थे तब इस्तीफा दिया नहीं, जेल से सरकार चला रहे थे, अब बाहर आके इस्तीफा देते हैं। आप समझे नहीं, जेल से अगर वो इस्तीफा दे देते तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी, जिसका एक ही काम है सिर्फ पब्लिक को गुमराह करना, जुमला करना, पूरे देश में धर्म मजहब के नाम पे अराजकता फैलाना, तो ये उनकी जीत होती। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने ये बहुत बढ़िया निर्णय लिया कि जेल में रह के उन्होंने बिल्कुल कोई इस्तीफा नहीं दिया। अगर वो इस्तीफा दे देते तो इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कई अन्य मुख्यमंत्रियों को भी दबाव में डालकर और इस्तीफा दिलवाने का काम करती, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से इस्तीफा नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी को अगर कहीं डर है तो आम आदमी पार्टी से, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी, क्योंकि उन्हें पता है आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार पार्टी है। यहाँ जितने विधायक है, इवन जितने कार्यकर्ता है, वो कट्टर ईमानदार है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगर डरती है तो वो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व से डरती है आम आदमी पार्टी। बात करेंगे सर से, सर क्या करना चाहेंगे, जिसके सर ने भी बताया जो आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार की पार्टी है, पर विपक्ष जो है बार बार कट्टर ईमानदार के नाम पे जो है घेरता है बड़े बड़े नेताओं को, पहले मनीष सिसोदिया को, फिर अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगा के जेल भेजते हैं, कहीं ना कहीं छवि धूमिल करने का प्रयास होता है। राजनीतिक द्वेष के कारण वो छवि धूमिल करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी है,
उस पर अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, इन सब मुद्दों पर बात कीजिएगा ना, तो वो वंदे भारत जो बनाई है उसी रफ्तार में भागती है। लेकिन वो चाहती है धर्म, मजहब, जात पात पे बात करना, वो जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं उस पर बात नहीं करती है, उससे भागती है। और छीटा कसी कसना, नूरा कसी करना, यही उनकी फितरत रही है जी। वो तो बार बार कहते हैं कि हमने तो जन देश के लिए विकास किया, काम किया। अरविंद केजरीवाल जी तो मुफ्त दारू बांट देते हैं, बसें फ्री कर देते हैं काम के नाम पर। सरकार जनता से टैक्स क्यों लेती है? अगर सरकार जनता को अच्छी शिक्षा दे रही है, स्वास्थ्य सुविधा दे रही है, महिलाओं को फ्री बस दे रही है, तो इसमें गलत क्या है? आप दुकान पर जाते हैं, दुकान वाले को 30 रुपए देते हैं, कहते हैं भाई दाल तड़का दे दो, तो दुकान वाला जब आपको दाल तड़का दे देगा तो भाई कह देंगे मुफ्त में दिया है, अरे उसके बदले में 30 रुपए आपने पे किया है। जनता टैक्स पे करती है। बाकी राज्यों में अगर जनता जागृत नहीं हो रही है, वो अपने अपनी सरकारों से नहीं पूछ रही है, तो जनता गलत है। इसी का फायदा जो है ये चंद जो सत्ता में बैठी पार्टियां हैं वो उसका लाभ उठाती हैं। जनता से के पैसे से जनता का हित करना कहीं गलत नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि दिल्ली में जो है वो उसके टैक्स के पैसे को सरकार रिटर्न कर रही है। कितनी कामयाब होगी जनता की लात केजरीवाल जी की? अरविंद केजरीवाल जी जनता के बीच के नेता हैं, जनता के बीच से निकले हैं और आज फिर जनता के बीच में आ गए हैं, जनता की अदालत में आए हैं। जनता की अदालत से बड़ा कोई बड़ा अदालत नहीं है। और 56 इंच का सीना कहने से नहीं होता है, बड़ा सीना दिखाना पड़ता है। और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर ये कहना कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट देना, नहीं तो मुझे वोट मत देना, अरविंद केजरीवाल के अलावा भारतीय राजनीति में शुरू से लेकर नेहरू से लेकर अब तक आप एक नाम बता दीजिए जिसने इतना बड़ा हृदय विराट करके कहा हो कि मैं अगर ईमानदार हूँ तो मुझे वोट दीजिए, नहीं तो मुझे वोट मत दीजिए। पहले भी अरविंद केजरीवाल ने ऐसे इस्तीफा दे दिया था चलती सरकार में से, इस बार भी इस्तीफा दिया है, तो लग रहा है 2025 विधानसभा में इस बार आ रहे अरविंद केजरीवाल जी 2025 की विधानसभा में प्रचंड बहुमत से आएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुद्दे की राजनीति करते हैं। अरविंद केजरीवाल का पहचान क्या था? ईमानदारी। उनकी ईमानदारी पर राजनीतिक द्वेष के कारण इन्होंने छीटाकसी किया। अब वो जनता की अदालत में गए हैं, जनता को फैसला लेना है कि उनका नेता ईमानदार है कि बेईमान है, ये जनता तय करेगी। कांग्रेस पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी सर बार बार आक्रामक देखी जा रही है, दिल्ली के अंदर आक्रामक दे रही, कह रही केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ जो है वो राजनीति कर रहे हैं, सिंपैथी की राजनीति कर रहे हैं। केजरीवाल जी जनता के बीच दिखा रहे हैं कि मेरे ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी राजनेता है, मानते हैं ना, तो राजनेता राजनीति नहीं करेगा तो कॉमेडी करेगा? आप बताइए, अगर अरविंद केजरीवाल जी राजनीति करते हैं, सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो उसमें गलत क्या है? वो राजनीति में है, सक्रिय राजनीति में है, तो राजनीति ही करेंगे। ईमानदारी की राजनीति करना जरूरी है, मुद्दे की राजनीति करना जरूरी है, जो अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से इस्तीफा से देते हैं, आतिश जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, दिल्ली की जनता फिर से अरविंद केजरीवाल जी को बना रही है? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी को बनाएगी, ईमानदारी की पहचान है। उन्होंने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए इस्तीफा दिया है और अपनी ही ईमानदारी का परिचय देते हुए उन्होंने अपना आवाज भी छोड़ने की तैयारी की है। तो अरविंद केजरीवाल जी 100% दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे भी। लोग कहते हैं कि जब वो जेल में थे उनसे बोला इस्तीफा दीजिए, तब दिया नहीं, अब बाहर आके इस्तीफा दिया है, क्या कहना केजरीवाल जी राजनीति कर रहे हैं? ऐसा कोई राजनीति नहीं है, एक ईमानदार इंसान है। और वो जेल से क्यों इस्तीफा देते हैं पहले इसका एक रीजन बताइए। जब जेल से देने का कोई मतलब नहीं और हमारी तो सरकार अच्छी चल रही थी जेल से, तो क्या जरूरत थी उनको कि क्यों उन्होंने, मैं तो वही कहूंगी कि ईमानदारी का परिचय देते हुए उन्होंने बाहर से इस्तीफा दिया है, क्योंकि जब उनके हाथ बांध दिए गए तो ठीक है काम तो होना है ना, तो बस 4 महीने के बाद आपको रिजल्ट मिल भी जाएगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, हमारे अरविंद केजरीवाल जी फिर से बनेंगे। पर लोग कहते हैं कि दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुफ्तखोरी का काम का केजरीवाल जी, उसके अलावा कुछ काम नहीं किया। क्या आपने लोगों से इंटरव्यू लिया है? क्या आपने लोगों की राय जानी है? सभी लोग बहुत खुश हैं, तभी तो वो दोबारा ईमानदारी का परिचय देते हुए दोबारा मंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे। लोगों से आप लीजिए सर्वे करिए, आपको पता चल जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी से जेल से बाहर आते हैं फिर इस्तीफा देते हैं, आतिश जी नहीं मुख्यमंत्री बनते, क्या कहना चाहेंगे इसको देखते? देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा हम जनता के बीच में जाएंगे, हम ईमानदार हो गए तो जनता हमें दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी। मैं बीजेपी के नेता को चैलेंज देना चाहता हूं, आपके ऊपर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आप इस्तीफा नहीं दे सकते। बीजेपी का कोई विधायक, बीजेपी का कोई पार्षद कोई इस्तीफा नहीं दे सकता। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही ऐसा है और आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ही ऐसे है जो सीट के ऊपर लात मार सकते हैं। ना उन्हें बंगला चाहिए, ना उन्हें कोटी चाहिए, ना उन्हें कोई पद चाहिए, वो साधारण इंसान बनके अपना काम कर सकते हैं, वही काम करें। अब बीजेपी वाले इस पे दावा कर देंगे, कहेंगे जब जेल में तब इस्तीफा दिया नहीं, बाहर आके इस्तीफा दे दिया, राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल जी। जेल में होते अगर इस्तीफा देते तो जनता को क्या लगता? जनता को लगता कि जेल में दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया, बीजेपी के
दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया, ईडी के दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया, सीबीआई के दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया, पर उन्होंने ईडी सीबीआई के दबाव में इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि वो दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं, वो दिल्ली की जनता के बेटे हैं। अब चुनाव के अंदर आएंगे, 70 की 70 सीट आम आदमी पार्टी की आएगी। हरियाणा के अंदर भी आम आदमी बहुत तेजी से उभर के सरकार बना के लाएगी। हरियाणा में उभर के सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के बेटे हैं, हरियाणा के लोग अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं। अब हरियाणा में अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे, लोगों से घर घर मिलेंगे, लोगों से आशीर्वाद लेंगे और हरियाणा में भी अपनी सरकार बनाएंगे। जनता के साथ एकदम सक्सेसफुल होने वाली है। आपने देखा है जनता खरीद के नहीं आई, कोई मेट्रो से आ रहा है, कोई ऑटो से आ रहा है, कोई बस में लटक के आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, ये सब अरविंद केजरीवाल से मिलने आए हैं। ये अरविंद केजरीवाल को प्यार करते हैं, ये अरविंद केजरीवाल को आज भी अपना सीएम मानते हैं। मैं तब इस्तीफा नहीं देते, बीजेपी पार्टी कहते हम इस्तीफा मांगे तब दिए नहीं, अब बाहर आके इस्तीफा दे देते हैं, सिंपैथी की राजनीति कर। क्या बीजेपी ने क्या उनको जिताया था? बीजेपी ने वोट दिया था, बीजेपी के कहने से हम इस्तीफा क्यों देंगे? बीजेपी ने जब वोट नहीं दिया तो इस्तीफा मांगने का अधिकार वो क्यों रखते हैं? हम जीते अपने मन से, वोट भी अपने मन से देंगे, इस्तीफा भी अपने मन से देंगे। जब जीते अपने मन से तो इस्तीफा भी तो हम अपने मन से देंगे ना, किसी के कहने से तो हम इस्तीफा नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल जी को अब लगा कि इस्तीफा देना चाहिए तो दिया, तो इसमें मुद्दा क्यों बना रहे भैया? सीएम में अगर सीएम अगर एक महिला बन गई तो इस्तीफा, आप लोगों को दिक्कत किस बात की हो रही है ये बताइए ना मुझे। क्या लगा जनता के साथ जो केजरीवाल जी ने लगाई है कितनी सक्सेसफुल होगी? सक्सेसफुल है जनता से पता चल रही है आपको? आप जरा मीडिया वाले ना, आप जरा कैमरा घुमाओ और दिखाओ कि जनता की अदालत कितना सक्सेसफुल होगी, ये सब दिख जाएगा। विपक्ष आता है, केजरीवाल जी दावा जब करते थे कि हम कोठी बंगला नहीं चाहिए, पर शीश महल खड़ा कर दिया। शीश महल छोड़ तो दिया, शीश महल को ठुकरा तो दिया, अब क्या चाहिए? वो शीश महल में जो सीएम बनेगा उसी शीश महल में बैठेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने वो काम कर दिया जो आज तक किसी ने किया था, नहीं किया था। जो भी सीएम बनेगा उसी शीश महल में बैठेगा। 2025 में आ रहे केजरीवाल जी दिल्ली में फिर से? अरे डंके की चोट पे आ रहे, डंके की चोट पे, और आएंगे और मोदी जी को देखना पड़ेगा कि सीएम आखिर आ गया। लेकिन डर लग रहा है मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से? बार बार से आम आदमी पार्टी कहती है कि शेर है केजरीवाल जी, डरते मोदी जी उनसे? बिल्कुल, 56 का सीना लेकर एक शेर से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? उनको पता है कि उनके पास जनता पावर है, जनता का बल पावर होता है। जो जनता होती है ना वही जनार्दन होती है, जनता जनार्दन है अरविंद केजरीवाल जी का। अरविंद केजरीवाल जी के पास जनता का पावर है तो बस। सर क्या करना चाहेंगे, कुछ बात करेंगे जरा एक बार, क्या करना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से इस्तीफा देते हैं और फिर बाद में तीसरी मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद जनता की अदालत लगा रहे केजरीवाल जी, क्या करना चाहेंगे इसको लेकर? जनता की अदालत इसलिए लगाए हैं कि दिल्ली के जनता को बुलाकर ये चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के ऊपर लगाया कि भ्रष्टाचारी हैं, क्या कहते हैं, शराब घोटाले में हैं, जेल से आए हैं, इनसे बड़ा अपराधी पृथ्वी कोई नहीं है, ये उनकी जो बातें हैं ये गलत हैं सारी चीज़ें। ये सब ये इसलिए रखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब जनता के, अभी तो चौपाल लगाए हैं, अभी जनता के बीच घर घर गली गली हर विधानसभा में जाएंगे और वो इस तरह से करेंगे कि वो उनको जनता से उनकी अपनी बात रख दिए हैं कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे आप वोट करना और हमें तब आप अगर वोट करोगे आप तो मैं प्रधान मुख्यमंत्री बनूंगा, नहीं तो मैं नहीं बनूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी के इतने आम आदमी पार्टी को के अरविंद केजरीवाल जी को खाली बदनाम करने के लिए इस तरह का थोड़े। अरविंद केजरीवाल जी ने शीश महल बनाया, शीश महल में रहते हैं लगातार। शीश महल तो छोड़ रहे हैं, शीश महल तो छोड़ रहे हैं। अगर भाजपा में दम हो तो वो केजरीवाल को हरा के उस शीश महल में खुद आ जाए, वो खुद आ सकते हैं। जो मुख्यमंत्री बनेगा उस इस महल में रहेगा, वो उस मुख्यमंत्री के लिए बनाए हैं, केजरीवाल अपने लिए नहीं बनाए हैं। कहते जब इस्तीफा मांगा जेल में थे तब इस्तीफा दिया नहीं, बाहर आके इस्तीफा दे दिया, ये सिंपथी की राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल। तो पूरे केंद्र में उनकी, पूरे हिंदुस्तान में उनकी सरकार है, क्यों नहीं वो इस्तीफा दिलवा लिए? सारा उत्पीड़न तो करवा लिए, उनके दवा को रोक दिए, तमाम ऐसी चीजें की है कि उनको, उनका उत्पीड़न किया गया। तो आप अगर, मैं कहता हूँ ये तो मेरी नैतिकता है ना, मैं आया जब तक संकट में था, ये साबित अरविंद केजरीवाल करना चाह रहे थे कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, मेरे ऊपर जितने मुकदमे लगाए हैं सब झूठ है, और वो बाहर आके इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं
कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर आंख में शर्म हो तो ये देखो तुम्हारी केंद्र में सरकार है कब तक, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। 2025 में फिर चुन रही है दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को जी, 2025 में दिल्ली की जनता चुन रही है फिर से विधानसभा में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2000 में पूर्ण बहुमत से जितनी बहुमत मिली है पीछे उससे ज्यादा प्रचंड बहुमत से फिर अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, आम आदमी पार्टी आएगी, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे।